कभी कभी ऑनलाइन मार्केट डिलीवरी देने में बरसों लगा देते हैं, तो अक्सर मैं आइटम्स को ऐसे ही निकाला करता हूँ। पर मसला इस बार कुछ और था, क्योंकि मुझे चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का रिव्यू करना था, तो मैं जहां से कंपोनेंट्स लिया था वैसे वापस भी रख दिया। तो फर्स्टली तो मैंने ऑर्डर किया था ये ब्रेडबोर्ड, जिसमें हम टेम्पोरारीली कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टेस्ट कर सकते हैं। हर बार अगर वेरोबोर्ड में किए तो वो परमानेंट हो जाता है, तो इसमें टेस्ट करके हम वेरोबोर्ड या पीसीबी में उसे इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइज ये है हमारा DHT11 टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर मॉड्यूल, जो हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंस करने में काम आता है। एंड इससे हम आगे बहुत प्रोजेक्ट्स करेंगे आर्डुइनो नोड एमसीयू के साथ। यह है हमारा सॉयल मॉइस्चर सेंसर मॉड्यूल, नाम से ही पता चल रहा है कि इसका फंक्शन क्या है, फिर भी हम बाद में प्रोजेक्ट्स करेंगे जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। ये 2-channel 5-volt रिले मॉड्यूल है और ये लार्ज करंट हैंडल कर सकता है, जो वेरियस होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स में हम आगे यूज़ करेंगे। और ये होगा हमारा आगे आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स का ब्रेन, क्योंकि ये है हमारा नोड एमसीयू ESP8266 वाईफाई डेवलपमेंट बोर्ड, जो वेरियस वायरलेस IoT प्रोजेक्ट्स में हम आगे यूज़ करेंगे, और इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है 2.4 to 2.5 GHz। यह है 5-volt सिंगल चैनल रिले मॉड्यूल, जो पहले वाले 2-channel रिले मॉड्यूल का छोटा भाई है, और ये भी वेरियस होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स में काम आता है, लार्ज करंट को हैंडल कर सकता है। तो आगे हम इसका भी फंक्शन देखेंगे कि कैसे यूज़ होता है, कौन से प्रोजेक्ट में यूज़ होता है। यह है पैसिव इंफ्रारेड सेंसर और PIR सेंसर मॉड्यूल HCSR501, जो जनरली मोशन डिटेक्शन में यूज़ होता है। तो आगे हम इसके रिलेटेड भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। तो अगर आप न्यू व्यूअर हो तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो वही प्रोजेक्ट लेके मैं आ जाऊँगा। तो ये तो आप सब जानते ही होंगे, मेल टू मेल जंपर वेल्ड्स एंड 10 cm, बहुत ही छोटा है। तो मेरा एक सजेशन है व्यूअर्स से कि आप 20 cm ऑर्डर करें, क्योंकि मैं ऑर्डर करने के बाद पछता रहा हूँ जब ये डिलीवर हुआ मेरे पास, कि मैंने पहले मेज़र क्यों नहीं किया कि मेरे जंपर्स 20 cm थे। एंड गाइस फाइनली वेयर स्ट्रिपर कम कटर, मैंने एक वेयर स्ट्रिपर कम कटर को 3 साल चलाया था, और उसके बाद उस पर जंग फट गया और वो पड़ा ही है।
तो 3 साल बाद मैंने फिर से ये स्ट्रिपर कम कटर ख़रीदा, क्योंकि वायर काटने में थोड़ा प्रॉब्लम्स तो आती थी। एंड ये तो मेरा फेवरेट है, मत ही बोलो। ये तो मैंने स्पेशली ये बॉक्स के लिए ऑर्डर किया था कि इतने सारे इसमें पार्टीशन है, मैं अपने मॉड्यूल्स को रख सकता हूँ इसमें, ये सोच के। पर ये इतना क्यूट है कि मैं क्या ही बोलूँ। ये हीट सिंक्स है, मैंने कभी पहले यूज़ नहीं किया, सेलो टेप से यूज़ किया था, पर अब थोड़ा अपग्रेड करने का बारी है। एंड ये सब कुछ फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके अपना सिस्टम सेटअप को अपग्रेड कर रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें मुझे, ताकि मैं और अपग्रेड करता रहूँ और अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊँ फ्यूचर में भी। एंड गाइज, ये सारे कंपोनेंट्स मैंने ख़रीदा है electronicscomponent.com ये वेबसाइट से, जो बहुत ही चीप प्राइस में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का सेल करता है। और मैंने ये सारे कंपोनेंट्स फर्स्ट टू लास्ट आपको जितना भी दिखा 1000 रुपीज़ में ख़रीदा है, आप बिलीव कर सकते हो। तो गाइज, अगर आप भी मेरे जैसे इलेक्ट्रॉनिक हॉबीस्ट हो, तो आप ऑब्वियसली इनके वेबसाइट से जाके परचेस कर सकते हो। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये पर्सनली मुझे वेबसाइट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत चीप प्राइस में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट सेल करता है, जिससे हमारा भी मतलब हॉबी फुलफिल हो पाता है। तो गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।